अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक रूल और स्केल के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग को इस बारे में कन्फ्यूज़न होती है और वो इसको रूल और स्केल को सेम ही समझते हैं, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो चलें पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रूल इज नेम ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन। एक स्टील रूल के ऊपर अगर स्टैंडर्ड जैसा कि मिलीमीटर और इंच की जो स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक अगर उनकी डिवीजन की गई हैं, उनकी ग्रेजुएशन की गई हैं, तो हम उसको स्टील रूल के नाम से पुकारेंगे। वाइल स्केल इज नॉट ए स्टैंडर्ड बट इट हैविंग स्पेसिफिक रेशियो विद द स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन। जो स्केल होता है इसको हम ऑरिजिनेट करते हैं, निकालते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड जो स्टील रूल है उसके साथ कोई ना कोई निस्बत, कोई ना कोई रेशियो हम जोड़ लेते हैं। इसका जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो हम ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ड्राफ्टिंग से वाबस्ता हैं, डिज़ाइनिंग से वाबस्ता हैं, वो अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकफ़ होंगे के जो स्केलिंग होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो जिस चीज़ की स्पेसिमम की आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने उसको छोटे साइज़ के पेज के ऊपर बनाना है, तो आप उसको स्केलिंग के ज़रिए एक रेशियो के साथ उसकी सारी की सारी डायमेंशंस को कम कर लेंगे और उसको आप जो है वो ड्रा कर लेंगे। नंबर दो, जो फाउंड्री शॉप में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जो है जब मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब वो ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म के अंदर आता है तो उसका जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसे श्रिंकेज को ऐड करने के लिए हम वहाँ पे जो स्टील रूल यूज़ करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, श्रिंकेज या श्रिंकेज अलाउंस उसके अंदर ऐड करके तो उसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो आइए स्केलिंग का हम इधर थोड़ा बताता हूँ मैं।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाली जो रेशो है इसको उस स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ ज़रब देंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास एक ख़ास रेशो आ जाएगी। और हमेशा से ऐसा करना है कि जब किसी एक ड्राइंग की सिर्फ और सिर्फ चंद एक पैमाइशों को ही ये उनका स्केल नहीं बनाते, बल्कि जब किसी एक चीज़ का स्केल लेते हैं तो वो पूरी की पूरी एक ड्राइंग जो है उसको एक स्केल के मुताबिक ही बनाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े साइज़ को छोटा करके, बल्कि जो बहुत कोई छोटी चीज़ है लाइक नीडल, तो हम जब उसको ड्रा करते हैं तो स्केलिंग के अंदर हम उसको थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, उसके साइज़ को ड्रा के उसकी जो विजिबिलिटी जो है वो ईजी हो जाए और उसको बनाना जो है वो आसान हो जाए, और उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो डायमेंशन हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइज जो है जो 50 मिलीमीटर का साइज है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1:1, मतलब कि तो ये 50 ही इसका जवाब आएगा। नंबर दो, दूसरे नंबर पर जब हम इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो ये 25 मिलीमीटर इसका साइज आ जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी रेशियो उसके साथ जोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के लिए नहीं, जो एक आपकी मुकम्मल ड्राइंग होगी उस पूरी ड्राइंग के अंदर उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उन सब को आपने इनमें से कोई भी जो आपके डिजायरेबल जो रेशियो है वो बना लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको 1:2 के साथ भी कर सकते हैं, मतलब कि जो भी आपके रिक्वायर्ड रेशो है आप इसको, तो इस अमल को, इस रेशो को कायम करने को हम स्केल कहते हैं, स्केलिंग करना। कोई भी रेशो किसी स्टैंडर्ड के साथ कायम करने को हम स्केलिंग कहते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का खुद ही पता चल जाएगा और खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।